सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सालियान, यू वाचिंग गेमिंग सालियान। तो गाइस, आप लोग ने इविल हैप्पी के पिछले एपिसोड में देखा था। गाइस, मैं बहुत पुराने एक बाबा से मिला, ये है वो बाबा, वो इनका नाम है किंग एडम। इनसे मैं पिछले एपिसोड में मिला था और फिर मेरी पूरी एक आंख पूरी वाइट, देख सकते हैं कि मेरी पूरी आंख एक वाइट हो गई थी और उसके बाद मेरी एक पूरी की मेरी पूरी स्किन फेड। उसके बाद मेरे को हीरो बहन एक जगह उड़ा के ले गया। गाइस, मेरी स्किन फेड होने बाद थोड़ी देर बाद हीरो ब्रह्म को उड़ा के एक अपने यूनिवर्स में ले गया और इस यूनिवर्स में को कुछ नहीं पता। तो अभी हम लोग अपने एक बेसिक स्टोन के टूल्स बनाते और मेरा पूरा सामान क्लियर हो गया। मेरे को नहीं पता मेरे फ्रेंड मेरे यूनिवर्स में ठीक है या नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। और मेरे को यहाँ से निकलने का जल्दी एक रास्ता ढूंढना पड़ा, मेरे को यहाँ से निकलने का नो आइडिया कैसे निकलना कैसे। तो यहाँ पे हम लोग अपने शायद मैं यहीं पे पूरा माइनक्राफ्ट सीरीज इविल हैप्पी की इसी में बन जाए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने यूनिवर्स में जाके अपने सिद्धांत इविल सबसे मिलूँ। तो गाइस, अभी तो हम लोग अपने बेसिक से टूल्स बना लेते हैं, ये पता नहीं। हाँ गाइस, बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को, मेरे सारे फ्रेंड्स में यूनिवर्स में मेरे को पता नहीं वो लोग ठीक है नहीं, उन लोग को भी नो आइडिया कि मैं कहाँ हूँ। और किंग एडम चले गए अपने वो हेवन किंगडम में, तो शायद वो मर के हेडन किंगडम में चले गए। तो अब मेरे को नो आइडिया गाइस, मेरे को क्या करना है। गाइस, मेरे से वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने अब बुक को यूज़ करके हीरो ब्रैंग को सिग्नल दे दिया। अगर मैंने उस सिग्नल नहीं दिया होता तभी मैं अपने फ्रेंड के साथ होता। पर गाइस, कोई बात नहीं, अभी शायद अगर ये हीरो ब्रैंग का है, अभी भी हीरो ब्रैंग मेरी बॉडी में, तो मेरे को नहीं पता मैं हीरो ब्रैंग से अकेले कैसे ले लूँ, मेरे पास कोई सामान नहीं है। गाइस, सभी तो फिलहाल ऊपर चढ़ते हैं, ये रहा रास्ता। अरे गाइस, क्या ही ले चाहे टूट जा और यहाँ पे लगा दूँ। तो गाइस, अभी पूरा जब तक क्या ही करें, अब मेरे को एक विलेज ढूंढना है क्योंकि खाने की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज है। ये दूसरी SMP यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स तो हमसे टूटते नहीं है, कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जो ब्रेक ही नहीं होते। अभी मैं वुड इकट्ठा कर लूँ, मानो एंटिटी अटैक कर दे मेरे ऊपर कोई, तो मेरे पास कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। तो गाइस, जब तक हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स इकट्ठा कर रहे हैं तब तक आप वीडियो में बने रहो। तो गाइस, क्या लगता है कि हम लोग अपने फ्रेंड से इस एपिसोड में मिल पाएंगे? आई डोंट थिंक कि हम लोग इस एपिसोड में अपने फ्रेंड से मिल पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं क्या करूँ, मैं ट्री तोड़ता हूँ। हाँ, क्या गंदा लैग हो रहा है। ओ भाई, एक तो हम लोग PC में नहीं है, जो हम लोग उछल के क्रिट सही से मारता है तो मोबाइल है, तो वो डिसएडवांटेज हमारा, पर हम लोग उसको नहीं देते, हम लोग डिसएडवांटेज को अपना एडवांटेज बनाते हैं। जब तक हम लोग पूरे ब्लॉक्स हो गए, एक स्टैक और 11 हो गए, चलो ठीक। तो गाइस, अभी हम लोग अपना एक विलेज ढूंढते हैं और मेरे को सामने बहुत ज़्यादा विलेजेस की आवाज़ आ रही, पता नहीं क्यों, पर बहुत ज़्यादा विलेजेस की आवाज़ आ रही। गाइस, हम लोग विलेज में चलते हैं अभी तो फिलहाल। वो देखो, लगा था विलेज, आगे विलेज है गाइस। चलो, विलेज मिल गया, खाने की कमी तो नहीं होगी। ओ भाई, ये क्या दिक्कत हो रही है बार बार। अरे गाइस, हेलो हेलो, उड़ने लगा मैं, एक सेकंड, मैं सर्वाइवल में था, मैं उड़ रहा था। चलो ब्लैकस्मिथ में चलते हैं। बस भाई, शायद हीरो ब्रैंग की पावर कुछ समय के लिए एक्टिवेट हुई, आपने देखा मैं सर्वाइवल था पर मैं उड़ रहा था, पता नहीं क्या। बस 3 ब्रेड, इतना गरीब आज तक मैंने नहीं देखा। तो भाई, विलेजेस यहाँ पे बहुत है, पता नहीं गाइस। और ब्लैकस्मिथ तो गरीब क्यों है भाई, तू क्या ट्रेड दे रहा है? अच्छी ट्रेड है, अनब्रेकिंग 2। वो क्या है भाई, अभी उससे तो छुटकारा मिला नहीं, इनसे छुटकारा चाहिए अब मेरे को। ओ भाई, क्यों भाई, शिकाय मार रहा है। अरे अरे, देखना ले, नीचे चलो देखना ले। अरे भाई, विलेजेस हट गया, वो विलेजेस मार रहा, तुम मेरे को लोकेशन एक्सपोज करवाएगा। तो अपने आप को मैं बंद कर देता हूँ। अरे भाई, ब्लॉक कैसे टूटा, ब्लॉक कैसे तोड़ा। ओ भाई, ऊपर है, देख लो उसने,
नहीं 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 देख लिया उसने, देख लिया उसने। एक सेकंड, जंप बूस्ट ये सब इफेक्ट मिले मेरे को। गैस पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है मेरे साथ, वो बंदा ऊपर ही खड़ा है मेरे। ओ भाई उसने टीपी मार लिया मेरे पास। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई, मेरी पूरी स्किन एक सेकंड काली हो गई है और बंदा मेरे पास। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ, मैं मरा नहीं। हेलो भाई, ये बंदा क्या कर रहा है? एक तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है बंदा, पेड़ पाल दे और ऊपर से मैं ऊपर से गिरा हूँ, मैं मरा नहीं। ये क्या गिरे जो, मैं आसमान से गिरा पर मैं मरा नहीं। और भाई बंदा क्राउच कर रहा है मेरे सामने, शायद ये मेरा फ्रेंड बनना चाहता है, पर है तो ये एंटिटी है ना, वो क्या करे। अभी विलेजर्स को मार रहा था कैन। तो गाइस ये मेरा ब्लर हो गया, इस ब्लर से मेरे को किसी का भी नाम नहीं दिख रहा। ये क्या ग्लिच हुआ मेरे साथ पता नहीं हो रहा। लोग देख सकते हैं अभी तो नाम दिख गया इसमें, बड़ा अजीब सा इसका नाम है। पर गाइस अभी यहाँ पे ब्लर हो गया, इनका नाम नहीं शो हो रहा मेरे को। तो गाइस पता नहीं क्या दिक्कत है, ये लोग चाहते हैं कि मैं इनका नाम ना देख पाऊँ। आप लोग देख सकते हैं इसका नेम टैग भी नहीं दिख रहा और मैं दूसरे यूनिवर्स का प्लेयर हूँ। आर यू एंटिटी और नो गाइस, मेरे को यस से जवाब देना पड़ेगा, नो दिया तो बंदा टपका देगा। हाँ गाय हाँ भाई मैं एंटिटी हूँ एक। तो अरे भाई क्या करेगा मेरे साथ, क्या कर रहा है यू एंटिटी और नॉट, मैं हूँ तो नहीं ये पूछ रहा, तो हाँ कह दिया मतलब मार डालेगा। फॉलो मी भाई, क्यों फॉलो करूँ तुम्हें, टपका पका दो। मैं नहीं कर रहा फॉलो अडो, मैं नहीं कर रहा फॉलो वालो किसी को, अगर नहीं करूँगा टपका देगा। चलो भाई चल लो, मनु गुस्से में मार रहा दे। एक सेकेंड, ये खड़ा हो जा रहा है, इसके इफेक्ट भी कितने अलग से निकल ले। ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, व्हाट द हैग इज डूइंग, कैन यू बी माय फ्रेंड, आई एम अलोन। भाई इसका फ्रेंड बनना पड़ेगा, बनना टपका देगा। हाँ हाँ भाई तुम्हारा फ्रेंड हूँ मैं, टेंशन ना लो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। भाई वादे ऐसे कर रहा जैसे इसका साथ दूंगा, वैसे धोखा दे के भागी जाना। यू विल ज्वाइन अवर एंटिटी टीम, इनकी एंटिटी टीम है। हेलो हाँ भाई कर लूँगा तुम्हारी एंटिटी टीम में। लास्ट में बस इसका 6 नंबर दिख रहा है, तो कोई एंटिटी है ये खतरनाक वाली। ओ भाई हाँ भाई कर लूँगा, नहीं करूँगा तो फेल पार देगा ये। हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके फॉलो मी, कर रहा भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो गाइस अभी हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इसने खाना फेंका, थैंक यू फॉर द फूड। ओके गाइस ये क्या हो रहा है, मेरी पूरी स्किन ब्लर हो रही। हेलो एंटिटी, अबे भाई ये मेरे सब कुछ करना दे भाई, भाई मेरे को डर लग रहा भाई, मेरी पूरी स्किन ब्लर हो रही। भाई खाना फेंका, खाना उठा लो। ओ भाई पूरी मेरी स्किन, विद द वेयर आई एम, हेलो ये कहाँ हूँ मैं भाई, ये तू कहाँ ले आया भाई, कितना डेंजरस कैसा लग रहा है ये भाई साहब, भाई साहब क्या डेंजरस कैसा है ये बता। फॉलो मी, हाँ भाई चल तू, मैं तेरे पीछे हूँ, मना टपका पका देगा। तो गाइस अभी हम लोग इसके साथ जा रहे हैं और ये अभी भी इसका नाम शो नहीं कर रहा, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ब्लर हो रहा है। भाई ये क्या बंदा है यार, इनके कैसल में आनी बड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही। तो भाई ये देखो गेट, देखो यहाँ का गेट आया भी नहीं तब भी इतना खूबसूरत लग रहा है मेरे को। ये रहा यहाँ की एंट्री, गेट नहीं मेरा गेट होगा। ओ भाई मैं यहाँ जाने के, तो गाइस इसने पहले बता दिया था कैसल में जाने, बाद कहाँ से कहाँ जाना है। गाइस वो देखो क्या है वो ब्लू कलर का, वेलकम टू डीमन सिटी। ओ मैं डीमन सिटी में इस टाइम, मेरे को पता ही नहीं, वाओ मेरे को पता ही नहीं कि मैं डीमन सिटी में आ गया, वाओ। वो देखो वहाँ पे वो क्या है भाई, ये तो बंदा टेलीपोर्ट मार रहा है। गाइस ये क्या है भाई, इतना अमीर भाई, सारे एंटिटीज कहाँ से पैसा लाते हो तुम। अबे भाई थ्रोन देखो इनका, इतना अमीरों वाला। ये देखो वो थ्रोन देखो, वो कौन है, एलेक्स ब्राइन, ये बीच में कौन बैठा है। ओ भाई इसका तो नेम टैग भी नहीं दिख रहा, कौन है ये, इतना खतरनाक प्राणी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई गॉड, कौन है ये लोग, मेरे को क्यों लाए यहाँ पे, आया तो मैं कूदूँ। तो गाइस अभी मैं इसके पास आ गया,
Now, who is he? Sir Lord, he a human. Human? भाई भी तो एंटिटी बोला था इसने. भाई who is he लिख रहा है. भाई ये बंदा क्या करता है? भाई लगता बहुत पावरफुल. वहाँ पे एलेक्स ब्राइन, वहाँ पे एंटिटी 303 303. भाई साहब क्या लोग है इनका. इसका तो नाम नहीं पता. इसका मेरी बर्च कुछ करके है इस बंदे का नाम. भाई वो बंदा देखने खतरनाक लगे. उस पर जाने नहीं. ऐसा लग रहा है इन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ करी. इतने खून पड़े. मैं हाथ में एक्स पकड़ लेता हूँ. कोई दिक्कत होगी. कम है भाई. डर लग रहा है. भाई बोलो जी. बोले जरा डू वॉट आई डू. मतलब इसकी कॉपी करनी है. हाँ तो झुकना है इनके सामने. अरे भाई झुक झुक गया हूँ मैं. ये बंदा बड़ा गुस्से में लग रहा है मेरे को. ओ माय गुडनेस ये क्या कर रहा है ये तेरी. ओ ब्रो हैज गॉड हैव गॉड ऑफ ऑल डेविल. ही इज अ गॉड ऑफ ऑल डेविल. भाई साहब ये कौन है. ये गॉड ऑफ ऑल डेविल्स. अरे भाई ये बंदा खतरनाक है ना. भाई एंटिटी वहाँ पे एलेक्स ब्राइन एक तुम्हारी की कीचे. भाई का तोड़ रहा है. भाई हम लोग को तोड़ने में कुछ भी हो हम लोग को टाइम लगता है. डोंट स्केयर भाई. ठीक है भाई. डर लग रहा है मेरे को हल्का हल्का. तो भाई ये बंदा अभी मैं जिस जगह हूँ इस टाइम वो बड़ी खतरनाक जगह. सर लॉर्ड नाउ टेल व्हाट वी डू. ओ भाई मेरे को क्या पता तुम लोग को क्या करना है. हमसे क्या पूछ रहे. तो भाई ये भी पूछ रहा है क्या करना है. मैं यहाँ पे हूँ क्यों. मेरे को जाना है यार. मैं कैसे अच्छा सा कॉमेडियन इंसान. मेरे को यहाँ पे कौन लिया है. न्यू पर्सन कम हियर. भाई आ रहा मैं. हाँ भाई बताइए जी. बोलिए सर. हाँ सर क्या चाहिए. दाल मखनी रोटी बर्गर पिज्जा चाउमीन क्या चाहिए. हाउ आर यू एंटिटी. भाई मैं तो सब मजाक कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं एंटिटी. हाँ भाई मैं बढ़िया हूँ. तुम कैसे हो. मैं मस्त हूँ. इन लोग को लग रहा है कि मैं एक एंटिटी हूँ पर मैं एंटिटी नहीं हूँ. और यहाँ पे जब से मैं आया हूँ ये मेरे को हल्का हल्का हेड पेन हो रहा है. ओ भाई इसके पास आती. अरे इसके पास आई मेरी स्किन फेड होने लगी. भाई हेलो हेलो इसके पास आती मेरे को क्या हो रहा है. ओ भाई इसके पास नहीं जाना है. अरे भाई मैं पास आया तो मेरी स्किन देखी मेरे पूरी वही ब्लर हो गया. अरे भाई यहाँ कैसे हटा हुआ. थोड़ा सा दूर हो जाए शायद हट गया. भाई ये बंदा क्या खतरनाक है. वो हट गया बहुत सही. ये बंदा वहाँ पे खड़ा होकर कुछ कर रहा है. ये अपनी सीट पे बैठने जा रहा है. और ये लोग खाली पैदाइशी अमीर होते हैं. वहाँ पे एलेक्स ब्राइन बैठी है. वहाँ पे एंटिटी बैठा है. और यहाँ पे हरो ब्राइन बैठा है. हरो ब्राइन तो नहीं कहेंगे इसका नाम ही नहीं पता मैं. तो गाइस यहाँ पे मैं हो गया हूँ ट्रैप. शो मी एनर्जी. अरे भाई मैं यहाँ का हूँ ही नहीं ना. हाँ तो मेरी पावर अभी नहीं दिखती. मेरी पावर दिखती है रात के 3 बजे. क्योंकि मैं यहाँ की एंटिटी नहीं हूँ तो मैं अपनी पावर कभी भी यूज़ कर लूँ. मैं दूसरे यूनिवर्स की एंटिटी हूँ तो मेरी पावर नाइट के 3 AM पे चालू होती है और कभी कभी 12 पे. तो अभी तो मैं आपको पावर नहीं दिखा सकता अपनी. सॉरी. तो भाई क्या बहाना. देखे बस तो गेस्ट है. वेट सर लॉर्ड डू एनीथिंग. सर लॉर्ड डू एनीथिंग ये क्या करेगा. फॉर यू एक साथ में ले लेना. कुछ गलत हुआ मैं यही पेल दूंगा. मैं पिल जाऊंगा उल्टा. और पता नहीं बढ़ने के बाद कहाँ पे मैं स्पॉन हो जाऊँ क्योंकि ये मेरा यूनिवर्स नहीं है. What the fuck? क्या हो रहा है ये. अभी मैं सर का ही घूम रहा इतना. भाई ये भाई मेरा सर. एक सेकेंड भाई मेरी स्किन और पूरी फेड हो रही है. अरे मेरा सर. Come down, Salian. Seven, tell me it is right. Yes, sir. फंसाएगा ये बंदा साला.
राइट नाइट हो रही है और ये अभी 12 बज रहे हैं। कब मैंने बोला था ना कभी कभी 12 बजे नहीं होती, मैं 3 बजे होती है। हाँ मैं 3 बजे पावर यूज होती है। अभी तो 3 घंटे हैं, अभी सर बहुत टाइम है। वेट आई रुक, अभी बंदा साला क्या कर रहा है, अभी रात के 3 बजे आ देगा एकदम से। सर हेलो कैसे हैं आप भाई, नजर आई के शॉर्ट निकाली। नहीं मैं तो आपके हाल चाल क्यों पूछूंगा, नहीं तो आती नहीं आपके सामने कुछ। सर आई डू नाइट, इट इज मिड नाइट। भाई साहब इसने मिड नाइट कर दी, रात के 3 बजा दी। अरे मैं इस यूनिवर्स के एंटिटी नहीं हूँ, मैं एक दूसरे यूनिवर्स के एंटिटी, तो मैं अभी अपनी पावर आपको नहीं दिखा सकता। मैं अपनी पावर दिखा सकता हूँ पर इस यूनिवर्स के एंटिटी नहीं हूँ ना, तो मेरी पावर काम नहीं करती इस यूनिवर्स में। कभी कभी काम करती कभी कभी नहीं। सर ही इज़ माई फ्रेंड। भाई मैं तो इसे जानता नहीं कौन है भाई है। भाई क्या 2 दिन इनके साथ रह लिए तो फ्रेंड बना लिया। सर इज माई फ्रेंड प्लीज डोंट कैल मी, क्या मानने लगी मेरे को भाई, मेरे को डर लग रहा है पेड़ पालना दे। और मेरे पास ना गॉड ऑफ वाटर मेरे पास कुछ नहीं। ओके चलो बबी मारेगा तो नहीं फिलहाल। ओ भाई साहब गलती सीन हो गया अभी तो। ये लकी ब्लॉक यहाँ पे सन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वेयर यू फाइंड हिम। अरे मैं इसे 2 डायमेंशनल पोर्टल में मिला था, मेरे को पता भी नहीं क्या होता है। इस बंदे ने बताया कि था कि ये जब हम लोग आ रहे थे हम लोग 2 डायमेंशनल पोर्टल में मिला था मैं इसे, और जब ये विलेजेस को तोड़ रहा वो मार टेप रहा था मैंने देख लिया इसे। आज ने मेरे को एंटिटी समझ के यहाँ लिया है, अगर मैं एंटिटी नहीं गया था तो फेल देता, पर मैंने क्यों कहा मेरे को एस्केप कर लेना चाहिए था वहाँ से। हेलो ब्रो क्या है वैसे कूल आई एम डिस्ट्रॉइंग अ विलेज इन इन डायमेंशनल पोर्टल आई फाइंड हिम इन विलेज। हाँ तो वहाँ पे एक डायमेंशनल पोर्टल था जो मैंने देखा नहीं, पर इसको पता क्यों यहाँ का लोकल। ओ भाई इन लोग का नाम क्यों नहीं दिख रहा है इस बंदे का, उसका तो दिख गया था, इसने मेरे को अपने नाम ही बता दिया था, उसका नहीं दिख रहा। ओ माय गॉडनेस व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन हियर, वेयर इज हीरो ब्रेन। ओ भाई हीरो ब्रेन की बात कर रहे, तो गाइस अभी मैंने अपना अनम्यूट कर लिया है तो इनको नहीं पता कि हीरो ब्रेन मेरी बॉडी में है। और भाई साहब इनको नहीं पता कि हम लोग ने हीरो ब्रेन को इतना टॉर्चर कर दिया था कि वो मरने वाला था, फिर हीरो ब्रेन मेरी बॉडी में आ गया था। तो अपना अनम्यूट कर लेता हूँ, मरने लोग को शक हो जाएगा। आई डोंट नो आई डी के आई डोंट नो, इनको पता ही नहीं। चलो अच्छी बात। गाइस मेरा सर बहुत चकरा रहा है फिर से, मेरे को लग रहा है कोई मेरे अंदर चीज निकलने की कोशिश कर रही है, शायद हीरो ब्रेन मेरे अंदर निकलने की कोशिश कर रहा है। एंटिटी एनी इंफॉर्मेशन, आई डिड नॉट सी हिम बिफोर 1 वीक। अरे भाई मेरा सर, अरे 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 भाई भाई ऐसा लग रहा है कोई चीज़ निकल रही मेरे अंदर से। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं दोस्त से मर रहा खाना ले लूँ। अरे नहीं, अरे अरे भाई 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 क्या हो रहा है ये मेरे साथ भाई, क्यों क्या भाई क्या हो रहा है ये, अरे भाई कितना पेन हो रहा है भाई। इसने मार अभी इसने मेरे को हिट करे, मैं ठीक हो गया। ये क्या था, ही इज़ मिसिंग फॉर 4 वीक्स। 4 वीक्स से वीडियो नहीं डाली ना, तो जब से हीरो ब्रेन है ही नहीं क्योंकि एस एम पी निकली ऐसे क्या। अगर एस एम पी ये तो मल्टीवर्स है ना, ये दूसरी एस एम पी है। ओ भाई भाई मतलब बाहर खा रहा हर बात पे, क्या दिक्कत है भाई तेरे को मुझसे जो मारता रहता है। यस जायंट एलेक्स से ही इज इन एनी ह्यूमन बॉडी, चले ये वो फंसाएगा। आई डी के विच आई डोंट नो विच बॉडी, इसको नहीं पता। अच्छा वो मेरी बॉडी में वो इनिटी वॉच वगैरह वॉच। यस ये यो भाई बड़ी पहले ऐसे एंटिटीज देखे हैं जो अंग्रेजी में बात करने, और इनको भी लैंग्वेज भी आती है लगता है, इंडियन है दूसरे यून कुछ नहीं बोल रहा मैं उधर देख। हाँ भाई खाना ना खा लिया बहुत ही, भाई डरावने कितने लग रहे हैं लोग। यू फाइंड दैट ह्यूमन, भाई इनको पता ही नहीं कि मैं वही ह्यूमन हूँ, मैं इनके बगल में हूँ, तो गई इनको नहीं पता कि मैं वही ह्यूमन हूँ और मेरे अंदर हीरो ब्रेन है। वी विल डू एनीथिंग
इसको पता है कि वो ह्यूमन कौन? एक सेकेंड, ये क्या मेरी बात सुन रहा है? विशेस में तो अभी म्यूट लगाया था मैंने। आई किल हिम, भाई ये बंदा मार देगा अगर उसको पता चल गया। टेल हू आर यू? मैं हूँ अर्श एंटिटी। ये मैं इस यूनिवर्स की एंटिटी नहीं हूँ, मैं दूसरे यूनिवर्स की एंटिटी, इसलिए मेरा नाम है अर्श एंटिटी। ओह वेट लॉर्ड, आई टॉक टू हिम। तो गाइज मैं इस एंटिटी से पूरे बातचीत करके आता हूँ, जब तक वीडियो बने रहो। तो गाइज मैंने इससे पूरी बात कर ली, इसने मेरे को सब बता दिया है और मैं आपको चीज़ें वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसने मेरे को कुछ प्लान वाले बताए हैं और टेस्ट बताए। ये बोलता क्या सोच रहा है? I can't sense your energy from new entity. अरे मैं दूसरे यूनिवर्स की एंटिटी हूँ, तो इस यूनिवर्स में मैं आती, मेरी एनर्जी किसी को सेंस नहीं होती। ओ भाई क्या बहाने देके बचे जा रहा हूँ। ओ भाई साहब, एक तो यहाँ पे इतना डरावना साउंड बज रहा है जब से मैं यहाँ आया हूँ, और ये बंदा कितना डरावना दिख रहे हैं ये चारों हीरो ब्राइन, वहाँ सीट इसकी, वहाँ वहाँ। ओ भाई मेरी आंखों में पूरा अंधेरा जा गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई भाई व्हाट द, आई फाइंड एनर्जी इन दिस ह्यूमन लॉर्ड। एक सेकेंड, सर्वेंट यू कॉल द नल, ही ट्रेन हिम। भाई मेरे को नल ट्रेन करेगा दे, और एक तुम्हें पूरी आँख पूरी ऐसी अजीब सी हो रही भाई साहब, पूरा डरावना लग रहा है तो ये। ओ भाई कितना डरावना, कैसे अभी पूरा अंधेरा हो गया आँखों में, तो कैसे बड़ा डरावना दिख रहा है ये बंदे, कितना डरावना दिख रहा है गाइस, क्या डरावना है। ओ भाई वो बंदे को क्या हो रहा है, ये हाथ हिला के क्या दिखा रहे हैं? अरे अच्छा मेरे को कह रहे हैं यहाँ पे खड़े होने को। हाँ बताओ जरा क्या दिक्कत हुई भाई, ये बंदा कितना डरावना दिख रहा है। हेलो सर जी, क्या हो गया इस बंदे को, क्या दिक्कत है हमसे? गाइस अभी थोड़ी देर में, अबे भाई ये कौन है? अरे भाई ये कौन था? अबे भाई ये लोग कौन था? ओ भाई ये कौन था? एक तो पूरी स्किन ब्लैक हो गई। सेवन आई कैन सेंस एनी एनर्जी फ्रॉम हिम। अरे भाई बोला तू, मैं इस यूनिवर्स के नहीं, मैं दूसरे यूनिवर्स को, इसलिए आपको मेरी एनर्जी नहीं सेंस हो रही। ओ भाई एक तो मेरा पूरा वो हो रहा है गंदा लैग और पूरा ब्लैक हो गया। ओ भाई पूरा ब्लैक सही हो गया मेरा, फिर से हो गया क्यों? मैं लगा ठीक हो गया। ओ भाई ओ भाई ओ, हेलो चची, तो सोचा हिट कर दूँ उसे और हिट करके निकल लूँ यहाँ से। भाई एलेक्स ब्राइन देखो नीचे देख रही है, कितनी डरावनी लग रही। और ये कौन है? ये एंटिटी, नो सर ही हैव अ फाइंड, वी हैव टू फाइंड हिज एनर्जी। इनको मेरी एनर्जी ढूंढने का है, पोस्टमार्टम की एनर्जी ढूंढोगे क्या मेरी? पोस्टमार्टम करने आ जाओगे आप? तो गाइस अभी पता नहीं ये लोग शायद मैं पोस्टमार्टम करते हैं। इफ ही एनर्जी देन ही लुक, अब भाई ये मेरे को देखेगा, मेरे को समझाएगा, ये मेरी एनर्जी फील करेगा, पहले पोस्टमार्टम कर दो, इससे छमाट डालो ना। एक तो मेरा हाथ ऐसा ब्लर हो रहा है, क्या दिक्कत है ये? ओ भाई कहा पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गया यहाँ पे आने से। अरे भाई 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 कौन मार रहा है ये? नहीं जा रहा, इनके थ्रोन में जा रहा था पर जाने नहीं दिया। कहीं इसके थ्रोन पे जाके बैठ जाते। अब मैं यहाँ का एंटिटी हूँ अब। अरे सर जी मुंह से निकल गए, सर बिग फैन, सर सलमान भाई बिग फैन, सर सलमान भाई मुंह कभी कभी हो जाता है, इधर उधर निकल जाते। ओ भाई ठीक हो गया, इसके लिए थ्रोन में कुछ जादू था। अरे नहीं निकल जाते, थ्रोन में कुछ तो जादू था, इसका मतलब थ्रोन में इसकी पावर है ऐसा लग रहा है मेरे को, खोद के देखेंगे कभी। ओ साले, ओ भाई क्या चल रहा है, वो लोग क्या बात कर रहे हैं?
गाइस समझ में नहीं आ रहा लोग क्या बात कर रहे हैं इस टाइम। देखते हैं यहाँ पे एक लकी लोग है, वी नीड टू टेस्ट हिम। आए लोग अब मेरे को टेस्ट करेंगे। क्या क्रिकेट चल रहा है क्या जो टेस्ट बॉल करके टेस्ट में करोगे? नहीं नहीं हाँ टेस्ट होगा मेरे। देख रहे हो तलवार दिखा रहा। नो सर आई टेस्ट हिम अलोन। अच्छा मेरे को वी कॉल नल, मतलब ये पहले कहता है ये मेरे को टेस्ट करेगा, फिर इसने कहा नल मेरे को टेस्ट करेगा। भाई क्या बंदे हैं, क्या खतरनाक है हिट में बहुत खतरनाक मारते। ओ भाई साहब ही आस्किंग एवरीवन इज आस्किंग एवरीवन टू। अरे भाई ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लोग की बात हो रही और लोग को बात कर रखी दे हुए। मैं देख रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई ये तो नहीं इतने खतरनाक। भाई पास कहाँ आ रहा है? दूर दूर। वेयर इज हीरो ब्रैंड स्मॉल्स ब्रदर? भाई ये तो उसी क्लोन की हीरो ब्रैंड की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैंने टपका दिया था। व्हाट डिड यू से? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा गाइस अभी मैंने थोड़ा सा म्यूट करके कहा था कि ये दोनों ये फीमेल वो मेल लग रहे हैं तो वही उसका पूछ रहा है व्हाट डिड यू से। मेरे को यही लगता है ये रेड कलर का फीमेल है वो मेल है, और इन दोनों ये दोनों वाइफ और हस्बैंड लग रहे मेरे को। इतनी क्वेश्चन हो रहे ना। और अभी पूछा गया अबे अभी इसने पूछा तो वेयर इज हीरो ब्रैंड स्मॉल ब्रदर, तो हीरो ब्रैंड का वो वाला स्मॉल ब्रदर पूछ रहे जो हम लोग को क्लोन लगा था जिसको हम लोग टपका दिया था। अच्छा हुआ इन लोग को अभी पता नहीं है। अभी मेरा म्यूट लगा है कि मैंने हीरो ब्रैंड के क्लोन को मैंने सिद्धांत ने और रियान ने सब ने उसको मार दिया था। ओ भाई साहब अब क्या होने वाला है? अरे भाई कौन मर रहा है? नहीं नहीं हाँ चुपचाप खड़ा हूँ। भाई क्या लिख रहा है? इन सी हिम फर्स्ट इन अनदर अदर यूनिवर्स। इसने हमारे यूनिवर्स में देखा था पहली बार उसे। इससे इतना सब कैसे पता? ये हमारे यूनिवर्स में क्या करता था? टू किल सब यूनिवर्स। हाँ वो आया तो था हम लोग को पीलने और उसको क्या पता था हम लोग को पीलेगा खुद ही पील जाएगा। भाई अमीर कितने? एंड देन बिफोर थ्री मंथ्स आई डिड नॉट सी हिम। 3 महीने से तुम आ रही हुआ है ना उसे तो कहाँ से देख लोगे? ये नीचे बुला रहे हैं ये सॉरी कह रहा है। ओ भाई क्या है? हो रहा है यहाँ बिल्कुल। भाई तो गाइस अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। भाई ये बच्चे बड़े खतरनाक इंसान है। ओ भाई क्या अभी भी और बात कर रहे हैं लोग अपने। गाइस वो पक्का रेड वाला हस्बैंड वो वाइफ लग रहा है वो हस्बैंड लग रहा है। इतनी बात तो आज तक मैंने किसी से की नहीं है। साला हस्बैंड वाइफ कहीं का निब्बा निब्बी निब्बा निब्बी कहीं के साथ। मेरे को हस्बैंड वाइफ तो नहीं क्योंकि रेड वाला उम्र में छोटा लग रहा है क्योंकि वो झुक रहा है ना। पक्का निब्बा निब्बी हुए निब्बा निब्बी। रेड वाला ऐसे डर रहा है इनसे कि वो ऊपर वाला जो किंग ऑफ डीमन्स है वो इन सबकी वाइफ हो और उनको दिखा रही हो। सर लॉर्ड बिफोर नाइट वेयर स्मॉल हीरो ब्रैंड स्मॉल ब्रदर व्हाट आई डू सर लॉर्ड। अरे भाई ये उस यूनिवर्स में जाके पूरा चेक करेगा। एक सेकेंड मेरे को गाइस पूरा पूरा समझ में आ रहा है। तो गाइस अब मैं इन लोग का आपको पूरा प्लान समझाता हूँ कि इन लोग का प्लान है क्या एक्चुअली। तो गाइस क्या है कि हीरो ब्रैंड मेरे को इसलिए इस यूनिवर्स में लाया था कि मैंने उसके छोटे भाई को मार दिया था। हीरो ब्रैंड मेरे से इतना नाराज़ हो गया कि मेरे की बॉडी में घुस के वो इस यूनिवर्स में को ले आया। अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है पर मैं निकल नहीं पा रहा पता नहीं क्यों क्योंकि उसको निकलने शायद टाइम लग रहा है या वो एक बुक थी उसका नाम नहीं याद डार्क होल्ड बुक वो उसको निकलने नहीं दे रही। तो गाइस इन दोनों से एक ही रीज़न है। तो अभी आप देख सकते थे मेरा पूरा सर सब फट रहा था तो इसलिए वो निकल नहीं पा रहा था मेरी बॉडी से। और बात रही कि हीरो ब्रैंड मेरी बॉडी से नहीं निकला और वो जब निकल जाएगा और तब ये लोग मेरे को पेल देंगे। तो मेरे को हीरो यही प्रे करना है कि हीरो ब्रैंड मेरी बॉडी से ना निकले। तो गाइस ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सब कुछ ऊपर नीचे का हो रहा है।
सब कुछ ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, पूरा जमीन क्यों हिल रही है भाई, पूरा हिल रहा है। लो तो गाइस अभी मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है। ओ भाई ये पूरी जगह हिल क्यों रही है इतनी ज़्यादा ये जगह क्यों हिल रही। ओ भाई पूरी जगह अर्थ क्यों का ऐसा लग रहा, पूरा हिले जा रहा है सब शेक ही शेक। तो गाइस इनका यही प्लान है कि ये लोग यूनिवर्स से सारे एंटिटीज बुलाएं और उनकी ट्रेनिंग करें, जो वीक होगा उसे टपका देंगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसे अपनी टीम में रखेंगे और बाकी ये लोग जितने बेकार एंटिटीज होंगे उन सबको टपका देंगे और इस तरह वो एक बहुत बड़ी जंग लड़ेंगे और वो जीतते ही वो अपने पूरे यूनिवर्स में कब्जा कर लेंगे। तो गाइस मेरे को इनका प्लान तो रोकना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरे को अपने डायमेंशन में जाके इन सबको मतलब अपने फ्रेंड्स एंड से मिलना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी इनकी पूरी बात आज सब माननी पड़ेगी, अगर नहीं माना टपका देंगे, अभी न ला के मेरे को पूरी ट्रेनिंग देगा। तो गाइस एक सेकंड क्या हो रहा है मेरे साथ, हेलो गाइस बड़े चक्कर से आ रहे, मेरे को बड़ा बेहोशी सा फील हो रहा, मेरी आँखें बंद हो रही है। हेलो तो भाई क्या मेरी आँख बंद हो गई, मेरे को बड़ी नींद आ रही। अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अरे नहीं